क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं, तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आज का अकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलादम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। विमान की कार्रवाई प्रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीद करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के अख्तिताम पर बजरिया हाजिर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर, कौमी असम्बली। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.